Guys, how are you all? So today I'm going to share this easy peasy video जिसमें I'm going to sit and talk कि how I plan things, how I plan Amber's you know activities because बहुत सब लोग पूछते हैं कि आप कैसे मैनेज कर लेते हो सब कुछ. Amber is 4 year old और इंडिया में वो स्कूल जाती थी बट यहाँ पे आके काफी लंबा ब्रेक हो गया है, तो उसको बिजी रखना, इंगेज रखना किसी न किसी एक्टिविटीज में वो मेरा यू नो प्राइमरी गोल था. वो स्कूल स्टार्ट कर रही है 2 months में, तो कैसे उसका मैंने अभी तक स्केड्यूल सेट करती रही हूँ, कैसे एक्टिविटीज प्लान करती हूँ, सो आई एम गोइंग टू शेयर दैट. इज 5th of July और मैंने इस मंथ का पूरा कैलेंडर सेट करा है और उसके साथ क्या होता है कि उसकी रूटीन भी सेट रहती है, ऑर्गेनाइज वो रहती है, डिसिप्लिन रहती है, यही मैं भी ऑर्गेनाइज रहती हूँ. मुझे पता होता है कि मुझे यू नो इस वीक में ये करना है और उसके अकॉर्डिंगली मैं बाकी चीज़ें प्लान कर सकती हूँ. और उसके साथ यू नो फैमिली टाइम भी मिल जाता है, अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आप उसके अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो. और इसके साथ सबसे अच्छी बात ये जो हुई है कि जैसे मैं प्लान करती हूँ उसका स्क्रीन टाइम ना के बराबर ही है. उसको मैं खुद टीवी ऑन करके देती हूँ कि जब मुझे कुछ करना होता है कि हाँ यू कैन वॉच नाउ, और इट्स वेरी मिनिमल, जस्ट 15 मिनट्स उसका मैक्सिमम टाइम है. उसके बाद बोलती है आई डोंट वांट टू वॉच टीवी, आई डोंट वांट टू वॉच एनीथिंग, और वो बाकी एक्टिविटीज़ में बिजी रहती है. सो आई प्लान दिस कैलेंडर अकॉर्डिंग टू यू नो यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं कि हाँ हर मंथ का कैलेंडर आता है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली जो जो मुझे एक्टिविटीज़ करवानी होती है वहाँ पे मैं रजिस्टर कर देती हूँ. और उसके लिए भी आपको काफ़ी एक्टिव रहना पड़ता है बिकॉज वो जस्ट आई थिंक 1 डे के लिए ओपन होती है और सारी जो कैपेसिटी है वो फुल हो जाती है, तो मुझे बहुत ही एक्टिव रहना पड़ता है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होने वाली हैं. और प्लस उसको जैसे मैं लाइब्रेरी खुद से लेके जाती हूँ और बाकी एक्टिविटीज़ करती हूँ. मैं क्या करती हूँ कि मैं फ़ोन में पूरा डेट वाइज मेंशन करती हूँ कि फर्स्ट को क्या करना है, सेकेंड को क्या करना है. और यूजली ये जो रूटीन है ये मॉर्निंग में होती है, शाम को उसकी एक फिक्स्ड रूटीन है जो कि वो कहीं टायर्ड होके अगर बाहर से भी आती है तो भी उसको वो करनी होती है. दैट इज़ हर गार्डन रूटीन, कि उसको गार्डन जाना है, पार्क जाना है जहाँ पे उसको स्लाइड्स वगैरह या राइड्स वगैरह जो भी है वहाँ पे इंजॉय करनी है. दैट इज़ अराउंड 2 आवर्स के लिए वो जाती है. तो वी से कि वो घर पे सिर्फ सोने के लिए आती है, थोड़ा खाने के लिए आती है, बाकी टाइम वो बाहर एक्टिविटीज़ करती है. कनाडा में आके ये एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए हैं, स्पेशली इन समर्स, तो इस तरीके से वो काफ़ी ऑक्यूपाइड रहती है. ओके, सो हियर यू कैन सी इट्स मंथ ऑफ जुलाई और टुडे इज 5th of July. तो मैंने कैसे रूटीन बनाई थी, क्लिक ऑन फर्स्ट यू विल सी कि हमने उसमें क्या क्या करा था. तो उसके लिए मैंने ट्रेल वॉक पे हम गए थे, थोड़ा जंगल में उसको लेके गई थी कि कैसे होता है. देन वी प्लान फॉर म्यूजियम जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ, इट वॉज क्लोज्ड. तो दैट वॉज सैटरडे उस दिन था, तो सैटरडे को फैमिली आउटिंग होती है मोस्टली, तो आई टुक हर टू ट्रेल्स. सेकेंड आई टुक हर टू प्ले डेट विद हर फ्रेंड और वहाँ पे बारबेक्यू था, तो उसको बारबेक्यू के बारे में पता चला कि कैसे बारबेक्यू करते हैं, जो कि उसने कभी यू नो सुना ही था, देखा ही था टीवी वगैरह में कि कैसे होता है, तो वो उसका एक अलग एक्सपीरियंस था. 3rd of July दैट इज मंडे. मंडे के लिए मैंने ये प्लान करा था कि वो सेल्फ प्ले करेगी, घर पे रहेंगे हम, घर पे ही खेलेंगे और वो खुद ही खेलेगी, खुद ही लर्न करेगी, एक्सप्लोर करेगी घर की चीज़ों को. जैसे कि एक बच्चा हम घर पे होता है कि हाँ बच्चे को बोर होने का, बोर होना भी बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चा जब बोर होता है तो वो कुछ ना कुछ यू नो फिगर आउट करता है माइंड में कि क्या कर सकता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे को खुद से खेलने भी दिया जाए. 4th of July दैट वॉज ट्यूजडे, वी वेंट टू दिस मड किचन प्ले जो कि एक आउटडोर एक्टिविटी का पार्ट था. सो उसके लिए मैंने अर्ली ऑन में रजिस्टर करा था, तो वहां पे बाकी बच्चे आते हैं साथ में, कोई ना कोई हर वीक एक थीम होती है. तो इस बार मड किचन प्ले था जिसमें मड था और बच्चे मड के साथ खेल रहे थे. और इवनिंग में उसका जैसे रूटीन है गार्डन जाना जिसमें वो स्लाइड्स पे जाती है. सो दिस वॉज हर फॉर 4th of July. और टुडे वी आर एट होम और उसके जो आज का टॉपिक था वो था कि उसको अल्फाबेट्स वगैरह लिखने की प्रैक्टिस करनी है, कलरिंग करनी है, बाकी थोड़ा बहुत जो स्टिकर्स वगैरह है उनके साथ खेलना है, और शाम को वो गार्डन जाएगी. देन टुमारो वी हैव प्लान्ड कि मैं उसको लाइब्रेरी लेके जाऊंगी और लाइब्रेरी में काफ़ी आर्ट एंड क्राफ्ट होती हैं, वहां से हम बुक्स वगैरह चूज करते हैं कि कौन सी बुक्स पढ़नी है बिकॉज दैट इज टोटली फ्री और जो आप लेके आ सकते हो घर पे, और
फिर बुक्स आके हम घर पे पढ़ते हैं, वहां पे काफी यू नो कटिंग वगैरह, सीजर वगैरह या पेंट वगैरह या बाकी बच्चे होते हैं जिनके साथ बच्चा इंटरेक्ट कर सकता है, और काफी मोंटेसोरी एक्टिविटीज होती है। और अगेन सेम इवनिंग रूटीन जो है वो उसकी सेम रहती है, सो दिस इज लाइक हर मॉर्निंग रूटीन फ्रॉम 9 to 1 o'clock, और उसके बाद वो आके खाना खा के सो जाती है और शाम को उसको गार्डन में जाना होता है। मॉर्निंग इज फॉर यू नो मोर एजुकेशनल माइंडफुल, और इवनिंग में थोड़ा वो फिजिकली जैसे गेम्स वगैरह है वो उसके लिए मैंने रखा हुआ है। फ्राइडे आई हैव प्लान हर पंजाबी क्लास विद मी, तो मैं उसको पंजाबी पढ़ाऊंगी, और देन शी हैज आउटडोर एक्टिविटी विद अर्लियन जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट है, तो जस्ट फ्री स्टाइल है जहां पे आप जाओगे और कुछ ना कुछ वो ना कोई ना कोई चीज करवाते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट की, और दैट इज इन द गार्डन। तो मॉर्निंग में भी वो गार्डन में जाके एक्टिविटी करेगी, दैट इज विद यू नो अदर किड्स, और इवनिंग गार्डन जो रूटीन उसका है ही फिक्स्ड। सैटरडे वी हैव प्लान समथिंग यू नो फैमिली आउटिंग, और मॉर्निंग में जाएंगे कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ प्लान करेंगे, देन इवनिंग में अगेन गार्डन। इट इज संडे, और जिसपे वो घर पे खेलेगी या यू नो हमारे हमें थोड़ा सा बिजी रखती है साथ में, और स्विमिंग आई हैव प्लान स्विमिंग फॉर हर, वो एज सच लर्न नहीं करती, जिसको उसको फ्री स्टाइल में लेके जाती हूँ। फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स उसकी जो किंडरगार्टन क्लास है वो जो कि स्कूल उसका सितंबर में स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कि बच्चों को कैसे प्रिपेयर करना है स्कूल के लिए, तो उसकी वो क्लासेस स्टार्ट हो रही है मंडे को, और जो कि मॉर्निंग में होगी, और जब तक वो घर पे आएगी इट वुड बी आफ्टरनून, तो इसीलिए मॉर्निंग वो अपनी किंडरगार्टन क्लास में जाएगी और शाम को उसका गार्डन रूटीन है। ट्यूजडे को अगेन उसकी बाहर एक्टिविटी है अर्लियन प्रोग्राम के साथ में, जिसमें वाटर प्ले एक्टिविटी वो करवाने वाले हैं, और देन उसके बाद में हिंदी लर्निंग है, देन हिंदी वो बोलती है बट यू नो वर्ड्स वगैरह थोड़े से जो है अक्षर कैसे है थोड़े शेप वगैरह वो मैं उसको बताती हूँ, और सेम रूटीन इन द इवनिंग। देन उसकी किंडरगार्टन क्लास अगेन है वेंसडे को ऑन 12th, जो कि 2 घंटे की है, और वापस घर पे आके हम कुछ ना कुछ और एक्टिविटी करेंगे, और शाम को सेम रूटीन। इनको इट्स हर पंजाबी क्लास, और साथ में मॉर्निंग में उसको मैं योगा थोड़ा सा करवाऊंगी, हालांकि जब मैं करती हूँ वो साथ में थ्रू आउट द टाइम मेरे साथ रहती है करती है, बट ये टाइम उसके लिए मैंने डेडिकेट किया है कि उसको स्ट्रेचिंग करवाऊं, उसको बताऊं कि कैसे है, नोज अलॉट अबाउट कि कैसे करना है, तो बाकी सेल्फ प्ले है कि वो खुद घर पे करेगी। 14th इज फ्राइडे, तो उस दिन उसका मॉर्निंग में आर्ट इन द पार्क है, देन दिस इज ऑल्सो बाय अर्ली ऑन, तो उस पर वो वहीं पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी बच्चों को करवाएंगे, और देन उसके बाद हम लाइब्रेरी जाएंगे। नाउ लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी यहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, तो हम अलग अलग लाइब्रेरीज में जाते हैं। इट इज सैटरडे एंड दैट इज फॉर फैमिली आउटिंग कि हम कहीं ना कहीं प्लान करेंगे। देन 16 इज संडे, दैट इज फॉर स्विमिंग प्लस हिंदी लर्निंग, एंड 17th इज अगेन हर किंडरगार्टन क्लास, और ये जो क्लास है ये 2 वीक होने वाली है, 2 डेज पर वीक, सो क्लास के बाद में वेलकम होम और सेल्फ प्ले है, देन इवनिंग गार्डन रूटीन है। ट्यूजडे वी हैव कैंपिंग विद अर्ली ऑन, तो ये गार्डन में ही है, और दिस इज गोइंग टू बी न्यू थिंग फॉर हर कि कैंपिंग कैसे करनी है, और उसके बाद हम लाइब्रेरी जाएंगे या थोड़ा बहुत आर्ट एंड क्राफ्ट करना है। 19th को अगेन शी हैज हर लास्ट किंडरगार्टन क्लास सेशन, गोइंग टू बी 2 to 3 hours, और उसके बाद आके थोड़ा सा हाउस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को पता होना चाहिए कि चीजें कैसे अरेंज करनी है, सो वो काफी चीजें ऐसे मेरे साथ हेल्प करती है, बट दिस इज गोइंग टू बी यू नो प्रॉपर जब उसका मैंने ये फॉलो करना है। 20th इज थर्सडे एंड दैट इज हर लाइब्रेरी एंड आर्ट एंड क्राफ्ट रूटीन, और उसके बाद विल टेक हर टू स्विमिंग, और शाम को वी कैन डू पंजाबी क्लास, बट हियर लाइब्रेरी और आर्ट एंड क्राफ्ट, दिस इज बिकॉज लाइब्रेरी और स्विमिंग सेम प्लेस पे है, तो इसीलिए ये मैंने दोनों इस तरीके से ऐड करे हैं। फ्राइडे इज देयर इज वन एक्टिविटी, स्ट्रॉबेरी जॉय एट बीच, तो बीच पे जाना है, एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट कि क्या एक्टिविटी है, बट दिस इज लाइक स्ट्रॉबेरी जॉय। So then I have planned a dance class at home in the evening, just for fun, और कभी कभी ये randomly भी हो जाती है, but ये dedicatedly मैंने plan करी है। Then Saturday is family outing, then Sunday is for self play, घर पे कोई grocery shopping करनी है उसको लेके जाऊंगी, organization, house organization कैसे करना है, play date उसकी कोई ना कोई friend आ जाएगी या वो जाएगी। देन ट्यूजडे शील बी गोइंग टू अ प्ले जिम प्लस स्विमिंग, और इवनिंग में गार्डन है। आई थिंक आई एम नॉट श्योर देयर माइट बी एनी क्लास ऑन ट्यूजडेज अर्ली ऑन प्रोग्राम। ओके ऑन वेंसडे
ऑन वेंसडे वी हैव अनदर प्रोग्राम दैट इज प्ले टू लर्न, जिसमें बहुत सारे टॉयस होते हैं, मोंटेसोरी टॉयस होते हैं और बच्चे खेलते हैं वहां पे, बहुत सारे बच्चे आते हैं. सो दिस इज लाइक बेसिकली बच्चे मोंटेसोरी स्टाइल से कुछ ना कुछ सीखते हैं. थर्सडे इज फॉर हिंदी क्लास और प्ले जिम, उसको लेके जाऊंगी, और ऑर्गेनाइजेशन प्लस योगा. सो दिस इज गोइंग टू बी हर ऑन थर्सडे द 27th. ओके 28th को देयर इज वन प्रोग्राम इन द लाइब्रेरी दैट इज स्टोरी टाइम, और यूजली ये हर फ्राइडे को होता है. तो इट्स यू नो डिपेंडेंट करता है कि मैं उसको लेके जाती हूँ या नहीं लेके जाती हूँ, बट आई चूज कि मैं उसको उस दिन लेके जाने वाली हूँ. म्यूजिक एंड मूवमेंट प्रोग्राम होता है शाम को, गार्डन. देन देयर सैटरडे फैमिली आउटिंग, फिर संडे दैट इज प्ले डेट, उसकी फ्रेंड को किसी को मिलना है या उसको खुद खेलना है. एंड ऑन 31st वी हैव सम लाइब्रेरी एक्टिविटीज. तो ये जो एक्टिविटीज है ये थोड़ी लाइब्रेरी में होती है. लाइब्रेरी यहाँ पे जैसे कि हर सिटी में जो छोटे छोटे टाउन बने हुए हैं सबअर्ब्स से हैं, तो उसमें बहुत लाइब्रेरीज होती हैं, तो वो फ्री है, आप कभी भी जा सकते हैं. और लाइब्रेरीज में भी काफ़ी प्लान होते हैं बच्चों के लिए, टॉडलर्स के लिए, जैसे कि स्टोरी टाइम होता है, म्यूजिक मूवमेंट प्रोग्राम होता है, तो आप सिंपली जस्ट यू कैन गो एंड वॉक इन कर सकते हो. और तो वो भी मैं प्लान बनाती हूँ, तो मैं कभी किसी लाइब्रेरी में जाती हूँ, कभी कोई लाइब्रेरी, तो ऐसा नहीं है कि मैं सेम लाइब्रेरी फॉलो करती हूँ. और वहाँ पे बहुत सारी मोंटेसोरी एक्टिविटीज भी होती हैं. एक कॉम्प्लेक्स ऐसा है जहाँ पे स्विमिंग भी है और वहाँ पे बाई चांस एक लाइब्रेरी भी है, तो वो मैं सेम डे प्लान करती हूँ. और इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज, जैसे घर पे मैं योगा करती हूँ तो उसको मैं साथ में करवाती हूँ, या डांस क्लास है, डांस घर पे प्रैक्टिस करनी है जस्ट फॉर फन, तो ऐसे छोटी छोटी एक्टिविटीज करवाती हूँ. दिस इज हाउ आई प्लान हर थिंग्स. और इसके साथ मैं भी काफी डिसिप्लिन रहती हूँ, ऑर्गेनाइज रहती हूँ, कि मुझे पता है कि मैं बाकी टाइम जो है किसी और चीज को डेडिकेट कर सकती हूँ. सो शी ऑल्सो नोज कि उसको क्या क्या चीजें करनी है, किस दिन क्या करना है. शी नोज हर रूटीन वेरी वेल. और इसके साथ वो यू नो घर से बाहर ज्यादा बिजी रहती है. मॉर्निंग 9 to 1 o'clock हम बाहर रहते हैं, वो खाना खा के नैप लेती है, देन अगेन शी गेट्स रेडी फॉर हर पार्क, देन वापस आके वो खाना खा के सो जाती है. तो इसकी वजह से उसका जो टीवी स्क्रीन है, फोन है, वो बिल्कुल ही ना के बराबर हो गया है. आई कीप हर बिजी एंड आई फील कि ये टाइम जो है बच्चा इन चीजों में ज्यादा से यूटिलाइज करे. सो आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. वेलकम बैक विद अनदर वीडियो सून. टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटीफुल.